हेलो दोस्तों, मेरा नाम चेतन चौहान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सी एस सी टेक्नोलॉजी। हाँ, वो आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपका बात करने वाले हैं आपके मोबाइल चोरी हो जाने पर मोबाइल को कैसे ब्लॉक करें। अगर आपका फ़ोन कहीं चोरी हो जाता है, कहीं गिर जाता है या फिर चोरी हो जाता है, तो उस फ़ोन को हम कैसे ब्लॉक करें। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सी बार होता है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, बहुत सी बार होता है आपका मोबाइल चोरी हो जाता है और वो मोबाइल आपका कहीं यूज हो रहा होता है, अगर उस पर पुलिस ट्रैक करती है तो आप वो मोबाइल आपके लिए दिक्कत बन सकता है। ठीक है, आपने बहुत सारे केस देखे होंगे तो वो मोबाइल आपके लिए दिक्कत बन जाता है। उस मोबाइल का हम IMEI नंबर कैसे ब्लॉक करें। IMEI नंबर ही ब्लॉक हो जाएगा तो उसमें कोई भी सिम काम नहीं करेगी, तो वो चोरी के बाद में किसी मतलब का नहीं है। और वो अगर फ़ोन आपको वापस मिल जाता है, अगर वो फ़ोन आपको मिल जाता है, मतलब पुलिस आपको ढूंढ के दे देती है, तो उस नंबर उस IMEI नंबर को हम अनब्लॉक कैसे करें, तो मैं आज इसमें पूरी वीडियो मैं आपको समझाता हूँ। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र पर चलते हैं। अपने हम ब्राउज़र ओपन कर लिया, ठीक है। जो तो आप जो साइट देख रहे हैं, इस साइट के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो वीडियो भी जाके देखिए। इस पर आप इस साइट पे आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी मोबाइल पे, आपके आधार कार्ड पे, आपकी आईडी पे कितनी सिम एक्टिवेट हैं। तो मैंने इस बारे में पूरी वीडियो बना रखी, तो आप ये जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्राउन ब्राउज़र पे, आइए हम अपनी टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्राउन ब्राउज़र पे CIER जो लिखना है। लिखने के बाद में सबसे पहले जब साइट आएगी, यारी जो साइट आएगी तेरे घर पे, सबसे पहले जो साइट आएगी इस साइट पे आपको क्लिक करना है। आपका जो साइट है लॉस्ट ऑन मोबाइल, अब आपको क्या करना है, जिसमें ऑप्शन है, मैंने बताया था ना कि आपका फ़ोन अनब्लॉक और फाउंड कैसे करते हैं, तो आप इस पे जाके अपना फ़ोन को फाउंड कर सकते हैं और इस पे जाके आपको ब्लॉक करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लॉक स्टोन लॉस्ट मोबाइल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जब इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिलहाल वाला, जो भी वो फ़ोन में चोरी हो गया, वो फ़ोन में सिम गई, तो आपको फ़िलहाल में अपना वाला फ़ोन नंबर डालना है। उस फ़ोन का IMEI नंबर, IMEI नंबर आपको मालूम है कैसे पता करते हैं, आपके बॉक्स पे लिखा हुआ, बिल पे लिखा हुआ, या फिर 0*#06# करके आप उसका IMEI नंबर निकाल सकते हैं। तो आपको दोनों IMEI नंबर डालने हैं। कौन सा मोबाइल है, कौन सी कंपनी का मोबाइल है, वो आपको डालना है, ठीक है। सैमसंग मोटोरोला, एप्पल, जो भी है आपका 2Z, ओप्पो, वीवो, वो आपको डालना है। उसका डिवाइस का मॉडल नंबर डालना है और मोबाइल का परचेस बिल, जो आपने जो मोबाइल ख़रीदा है उसका जो परचेस बिल है, जो बिल है उस मोबाइल का, वो आपको अपलोड करना है। बिल होना जरूरी है, सेकेंड हैंड मोबाइलों पे बिल नहीं होता है तो सेकेंड हैंड मोबाइल के लिए काम नहीं करेगा। सेकेंड हैंड मोबाइल पे आपको फर्स्ट पार्टी ने मोबाइल का बिल दे रखा है तो आप उससे ना से भर सकते, नहीं तो सेकेंड हैंड मोबाइल के लिए ये काम नहीं करेगा। आपका कहाँ खोया है, उस सिटी का नाम, कितने बजे खोया है, सिटी का नाम, कितने बजे और कौन सी तारीख को खोया है, अपने स्टेट, अपने डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे जैसे कि डिस्ट्रिक्ट आपकी, आपकी सिटी जो भी है उसका जो प्लेस है, मान लीजिए मेरी सिटी आगरा है और उसका प्लेस है रामबाग, तो रामबाग डालना है। ऐसे आपका अगर प्लेस है दिल्ली, डिस्ट्रिक्ट आपकी दिल्ली है, तो आप दिल्ली में कनॉट प्लेस वगैरह जो भी आपका मोबाइल चोरी हो वो डालना है, ठीक है। पुलिस कंप्लेन नंबर, पुलिस स्टेशन और पुलिस की FIR कॉपी। अब पुलिस कंप्लेन नंबर के बारे में मैंने आपको वीडियो बनाई है, तो उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो पुलिस कंप्लेन के बारे में, हम ऑनलाइन पुलिस FIR कैसे कर सकते हैं UP के अंदर, तो मैं आपको वो बताता हूँ। और नाक पे आपको एड, आपको नाक पे ऐड कर देना है, ठीक है।
ऐड कर देना है, ऐड सबमिट कर देना है। अगर आपको और भी मतलब ऐड करनी है, और भी कंप्लेंट ऐड करनी है, दूसरा कोई मोबाइल भी चोरी हुआ है या लैपटॉप चोरी हुआ है, तो इसमें मोबाइल के लिए की है सॉरी, तो आप इसमें मोबाइल ना सिर्फ एक और ऐड करवा के ब्लॉक कर सकते हैं। आपको अपना नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, आपका अपना एड्रेस, आईडी, जो भी आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी आप डालते हैं उस आईडी का नंबर, आईडी को अपलोड करना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है और इधर आपको कैप्चा भरना है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो ऊपर डाला होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ओटीपी करना है, डिक्लेरेशन करना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट होने के बाद में क्या होगा, आपका जो कुछ वेरिफिकेशन हुई वो वेरिफिकेशन सबमिट होने के बाद में आपका जो मोबाइल का ईएमआई नंबर है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, वो ऑटोमेटिक ट्रैकिंग पे लग जाएगा, तो आप वो ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। और जब वो मोबाइल आपको पुलिस वाले ढूंढ के दे देते हैं कि आपका मोबाइल गया तो वो आपका नंबर ईएमआई ब्लॉक होगा, तो आपको उसमें क्या करना है, अनब्लॉक फाउंड मोबाइल पर जाना है। जो आपकी रिक्वेस्ट आईडी थी पहले वाली, जो जो हमने सबमिट करी, उन्होंने रिक्वेस्ट आईडी मिली, वो आपको रिक्वेस्ट आईडी करनी है, आपको मोबाइल नंबर डालना है, आपको यहाँ पे रीजन डालना है, ठीक है। आपको करना है पुलिस कम, पुलिस ने ढूंढ के तो पुलिस, अगर आपने खुद ढूंढ लो आप, ब्लॉक बाय मिस्टेक तो ब्लॉक बाय मिस्टेक सबमिट, ठीक है। आपको कैप्चा डालना है, कैप्चा डालने के बाद मोबाइल पे ओटीपी आएगा और मोबाइल को आपको सबमिट कर देना है। और आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आप रिक्वेस्ट यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हैं। तो आशा है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आशा है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।